हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या पढ़ा जाए साइंस वन में, पहले चैप्टर में क्या पढ़ा जाए। जैसा कि आप लोग जानते हो 2023 में जैसा कि बोर्ड एग्जाम प्लस प्रीलियम कुछ भी हुआ, उसमें बहुत सारा मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता था उसके अंदर से आया भी। बाकी आप लोग उसको क्लियर हो गए तो 100% आप लोग का पेपर जो बोर्ड एग्जाम का हुआ उसमें भी आप लोग बहुत अच्छा क्लियर हो गए। अब है बारी 2024 का, 2024 में किस तरीके से पढ़ा जाए कि अच्छा नंबर आए। तो मैं चैप्टर वाइज आप लोग साइंस वन साइंस टू इसी तरीके से मैथ का, मैथ टू का, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका आने वाला। बस आप लोग को सपोर्ट और प्यार दिखाना और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला साइंस वन में पहले चैप्टर में क्या पढ़े, क्योंकि बहुत सारा दिया और बहुत सारा बाकी उससे आप लोग पूरा कुछ नहीं आता। इसके लिए बोलता हूँ पूरा जो मैं बता रहा हूँ बस उतना करो और वो चैप्टर और एक्सरसाइज आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसी के बीच में से आएगा। आप लोग का यूनिट टेस्ट होगा उसमें भी आप लोग देख लेना, मैं गारंटी लेता हूँ इसी के अंदर रहेगा। बाकी आप लोग को बस आपको क्या करना वो आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे मैं पहले जो चैप्टर है क्लास टेंथ साइंस वन फर्स्ट चैप्टर का क्या क्या पढ़े यही नहीं मालूम पड़ता, इतना भर के दिया है क्या पढ़े। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना वो चीज करो जो चीज मैं दे रहा हूँ, उतना बड़ा बड़ा याद करने की जरूरत नहीं। जैसा कि आप लोग देखते भी हो 5 नंबर का जो क्वेश्चन था 1-1 मार्क में आता है, एक क्वेश्चन जो 5 नंबर का लास्ट में आता था वो 1-1 मार्क का कर दिया गया। अब इसमें क्या 2024 बोर्ड एग्जाम और यूनिट टेस्ट आप लोग का स्कूल में होगा, उससे पहले आप लोग को सब लर्न हो। इसके लिए बोलता हूँ जो जितना हो सकता है अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर करना। पहले चैप्टर में क्या करें, सबसे पहले नंबर पे पेज नंबर भी लिखा हूं जिससे आप लोग खोजने की दिक्कत ना हो, इजिली आप लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पे पेज नंबर 1 पे फोर्स और मोशन का, फोर्स और मोशन का किसके लिए, फोर्स किसके लिए जरूरत है, नेसेसरी किसके लिए, ये चीज आप लोग को यहाँ पे याद करना पड़ेगा। फोर्स का मोशन, फोर्स किसके लिए जरूरी है ये चीज आप लोग को याद करना पड़ेगा। पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे इंट्रोडक्शन है, साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन का है, उसको अच्छी तरीके से कौन कौन से इक्वेशन बनाए थे, क्या चीज किए थे, उनके बारे में थोड़ा सा आपको जानना रहेगा अच्छी तरीके से। अब उसके बाद आपको और आगे क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, बस इतना ही आपको करना और बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान से देखो। यहाँ पे डिफाइन करना है डिफिनेशन, सबसे ज्यादा याद करना डिफिनेशन किसका, देखो सर्कुलर मोशन का और सेंट्रीपिटल फोर्स का, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफिनेशन आप लोग को पेज नंबर आप लोग को इसमें याद करना है, इसी में 2 में। अब उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर जो 3 है उसमें क्या करना है, केपलर्स लॉ का डिफिनेशन और डायग्राम कंपलसरी, जो ब्लैक वाला लाइन दिया बस वही करना और बाकी कुछ नहीं, ब्लैक वाला लाइन यहाँ पे आप लोग को केपलर्स लॉ करना पेज नंबर 3 पे। अब उसके आप लोग को पेज नंबर 4 पे जो है 4 पे डिफाइन करने के लिए डिफिनेशन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये चीज यहाँ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2 अपॉन अ डिस्टेंस, मीन ऑफ डिस्टेंस है यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर, ये चीज आप लोग को यहाँ पे याद करना पड़ेगा और ये लास्ट में लिखना भी पड़ेगा। इसका न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। अब उसके पेज नंबर जो 7 पे है, 10 पे है, 12 पे है और यहाँ पे एक दिया हूं सॉल्व एग्जाम्पल, ये सब आपको इजिली आप लोग को करना है, 7, 10, 12 सॉल्व एग्जाम्पल अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसके पेज नंबर 8 पे आप लोग को क्या करना है, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस अर्थ, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे वहां पे डिराइव किया गया है जी का मान, जी का मान 9.8, वहां पे देखोगे 9.77 भी लिखा गया, उसको अच्छी तरीके से आपको करके रखना है। डिराइव कैसे जी का मान फाइंड आउट करते हैं वो चीज। और यहाँ पेज नंबर जो 8 पे है वहां वैल्यू ऑफ जी हाइट पे कितना, अर्थ पे कितना और डेप्थ में कितना, वो चीज आप लोग को जी का मान आप लोग को फाइंड आउट करना रहेगा। अब यहाँ पे आता है पेज नंबर 9 पे, 9 पे यहाँ पे मास और वेट का डिफरेंट बिटवीन याद करके रखो, क्या 3-3 पॉइंट या 4-4 पॉइंट, 1/4 पॉइंट आप लोग एग्जाम्पल दे दो और यहाँ पे मास और वेट का डिफरेंस बिटवीन आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना रहेगा। अब यहाँ पे आता है पेज नंबर जो 11 है, ध्यान से सुनना, पेज नंबर 11 पे फ्री फॉल दिया गया, फ्री फॉल इसको आप लोगों को डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा 100%। और उसके पेज नंबर जो 13 है पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी का, ये भी डिफिनेशन आप लोग को याद करना। उसके पेज नंबर जो 14 है सॉल्व एग्जांपल है, उसको अच्छी तरीके से करना। बस आप लोग को इतना ही पहले चैप्टर से आपको करना और कुछ भी नहीं करना। अगर इतना कर लेते हो आप लोग पहला चैप्टर आप लोग को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। और ये बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन के साथ 5 नंबर के लिए आता है, कितने नंबर का, 5 नंबर के लिए आता है। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। आप लोग को जल्द से साइंस 2 का, साइंस 1 का, ऐसे ही मैथ 1 का सबका आने वाला। बस आप लोग को क्या करना है, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। बस क्या करना आप लोग को शेयर करना है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो।